तो अभी हम लोग निकल पड़े दाना पानी बीच से और अभी आगे बढ़ रहे हम लोग मढ़ फोड़ की तरफ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलस्ट विद अमय, और स्वागत है एक नए से वीडियो में। आज हम लोग डिस्कवर करने वाले मढ़ फोर्ट। देखो, मढ़ फोर्ट ऐसी जगह है जो अभी बंद है, फोर्ट तो बंद है, बट यस वहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, और फिर आगे चल के मैं बता ही दूंगा कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो यहाँ पे मच्छी का बास इतना आता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना वो फिशिंग पे चलता है। यही रोड है क्या वो? हाँ यही है। राइड करने का मज़ा तो असली यहाँ ये ऐसे रोड पे। तो यहाँ पे तीन चीज़ हम लोग को मेजरली देखने मिलेगी, एक तो है समंदर और समंदर का व्यू, और फिर एक मंदिर है, और उस साइड है फोर्ट। आपको दिख रहा है ये फोर्ट है। तो ये तीन चीज़ हम लोग देखेंगे आज के ब्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? व्यू, फोर्ट देखेंगे। चलो तो फोर्ट के लिए आए, मढ़ फोर्ट के लिए, तो पहले फोर्ट देखते और प्रॉपर्टी ऑफ एयरफोर्स मढ़। सो यही था रीज़न जिसके वजह से मैं इधर ड्रोन नहीं उड़ाने वाला है, एयरफोर्स का एरिया है, समझ रहे हो ना बात, चांस ही नहीं लेने का। पीछे जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा फोर्ट है, हम लोग दूसरे साइड से देखते हैं। ये है अभिशाप सदियों पुराना, भूल कर भी इसमें मत जाना, वरना एयरफोर्स वाले आएंगे। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो ना, पूरा वो सिटी का व्यू आ रहा है और उधर वर्सोव है, तो यहाँ से जो फेरी जाती है वहाँ पे, वो वर्सोव वहाँ के ले जाते हैं। वहाँ की कहाँ से जा रहे हैं अपन? ओ भाई 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 भाई, मैं अगर गोप्रो पहनता था ना आपको सही दिखता था ये वाला चीज़। कहाँ पे आ गए? ओह सही है, प्लेस सही है, पर यहाँ पे आना रिकमेंड करूँ मैं? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। आपको आना है तो आपके रिस्क पे आओ। हाँ, पीछे आ सकते हो आप, मंदिर की तरफ आ सकते हो, फोर्ट बाहर से देख सकते हो, या फिर उधर का जो सिटी का नज़ारा है पीछे वो भी उठा सकते हो, मज़े उठा सकते हो उसके, बट इधर आने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी क्या हुआ है ना, सांस फूल रहा है थोड़ा चल चल के। ओ भाई क्या सीन है। वर्सोवा एक नंबर। ये पीछे फोर्ट। Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, why can't I get out of this world that I created, fighting storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. Away and I feel like अब तक का सबसे बेस्ट नज़ारा है, हवा भी अच्छी आ रही है। देखते जितना एक्सप्लोर करने मिल रहा है उतना एक्सप्लोर कर देते, बट आने का इधर तो ये अपने रिस्क पे आने का, जो भी होगा आपके रिस्क पे ही होगा। इसको क्या बोलूँगा मैं, पगडंडी है। लग रहा है इधर फुल मौत की गली से जा रहे हम लोग। चलो किले का पार्ट हो गया, मस्त है, देखने को मज़ा भी आया। अभी हम लोग देखते हैं मंदिर भी है,
वहाँ पे कुछ एक जगह है, वहाँ पे भी जाके देखते हैं अपन, सही ना? एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछू क्या? बोलो बोलो। क्या एज है आपकी? मेरी एज 16 साल। शब्बर। अभी सच्ची वाला बताओ गाइस, बता दो कितना उम्र रहेगा इनका? जितनी एनर्जी आपको दिख रही है, डांस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कितना उम्र लग रहा रहेगा आपको? पब्लिक बोले तो तकलीफ तकलीफ तो होनी है, बनता है हटेला है। तो अभी आपने गेस कर लिया कितना उम्र रहेगा, अभी बता दो सीरियसली, रियल वाला। 41 के समझ बनता है अच्छी, पब्लिक सब जानता है, यहाँ रुकने का नहीं, चलते रहने का, जो कल्ली का माल लेके मलते रहने का, सूरज का किरण तो ढलते रहने का, चलते रहने का, निकलते रहने का। एनर्जी लेवल देखो। बाय द वे, मैं जब भी पहले बार मिला ना, तो मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं आपको भाई बोलूँ या अंकल बोलूँ। अंकल बोलो तो क्या बोलोगे? जो बोलेगा अंकल हो जाएगा दंगल, यहाँ रुकने का नहीं, चलते रहने का। भाई बोलेगा भाई, गजनी भाई। बेसिकली उसको हम लोग मराठी में बोलते हैं सुखा बोंबिल, सुखट भी बोलते हैं भी बोलते हैं। वो मछली पकड़ के पहले यहाँ पर सुखाई जाती है, क्योंकि अगर वो मछली को पकड़ के डायरेक्ट आप खाओगे तो आपको बहुत गंदा टेस्ट आएगा, तो इसलिए वो मछली को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सूखी मछली की टेस्ट लेके आती है, क्योंकि गीला मछली खाएंगे तो आपको पानी का भी खारा टेस्ट आएगा। हाँ, क्योंकि सब मछली में नहीं होता, सिर्फ बोंबिल में ही होता है, समझे? इसको बोलते हैं नॉलेज। और आपको मैं अभी मछली दिखा देता हूँ, ये देखो कैसे मछली है, सुखाने के लिए रखी है, और यहाँ पे पूरा भर जाता है, मतलब अभी नहीं है ज़्यादा, बट यहाँ पे पूरी मछली लटकाई जाती है। मैंने कम से कम 5-6 बार ये हेलीकॉप्टर घूमते हुए देखा है। तो ये किसका हेलीकॉप्टर है पता नहीं, एयरफोर्स का है कि किसी प्राइवेट का है? किसका है? पवन हंस। ये क्या रहता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, जुहू। ओके, पवन हंस जुहू। तो राइड देते क्या किसी को? हाँ। अच्छा, ओके, समझे। यहाँ पे देखो सारी मछली है, और इधर ये लोग साफ कर रहे हैं, जूम करके बता देता हूँ आपको, ये देखो। और इधर भी ये साफ कर रही है। 4 शिकार हो गए आज हम लोग का, एक व्लॉग मतलब एक शिकार रहता है, मतलब एक व्लॉग हो गया, एक शिकार कर दिया। ऋत्विक भाई क्या करने वाले हो, 4 शिकार करने वाले हो या एक ही शिकार बनाने वाले हो? पूरा एक ही शिकार। एक ही बड़ा वाला पूरा। यस। और एक मिनट आपको मंदिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ताला लगाया मुक्तेश्वर, तो यहाँ पे ऐसा मंदिर है। और ये अभी मैंने दिखाया था 2 मिनट पहले हेलीकॉप्टर, फिर से एक आ गया। ये ऋत्विक भाई बोले किसी कंपनी का है, जू से बेचते। तो गाइस एक तीर में 4 शिकार हो चुके हैं हम लोग के, 4 अलग अलग जगह, 4 अलग अलग व्लॉग आपने देखे रहेंगे, 4 अलग अलग दिन में देखे रहेंगे, बट मैंने ये सारे जो व्लॉग है एक ही दिन में शॉट किया। और आई जस्ट वांट टू से माय बिग थैंक यू टू वेंडलिस्ट अमे कि इसने मुझे फ़ोन किया और फिर मेरे को अपने साथ लेके आया, वरना मेरे जैसा आलसी आदमी इतना जल्दी निकलता नहीं है। बट थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं तो ये बोलूँगी कि आज का ये जो व्लॉग मेरे लिए जो पूरा हुआ है वो सिर्फ इस पागल की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बजाते रहो, घंटी बजाते रहो, नोटिफिकेशन पाते रहो। और इनका चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओ, उधर घुस जाओ, चेक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब करो, सब बटन बिटन तोड़ डालो, अपने को क्या है सब्सक्राइब करने का, बस। चलो बाय बाय।